हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी पूरी फैमिली चल दी है रावण को देखने। तो आज है दशहरा और आज रावण जलने वाला है, तो हमारी पूरी फैमिली निकल चुकी है। तो ये रहा रावण, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी घर आते ही। फिर ये आते ही हम खाने पे टूट पड़े। मम्मी लेके आ गए थे बूंदी और पकौड़ी, तो सारे बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है भंडारे के पास, सब खाने ही आते हैं हमारी तरह, पहले खाने पे टूट पड़ते हैं। तो उधर भी पूरा मतलब ग्राउंड भरा हुआ है, इधर खाने खाने वाले लोग हैं। मेरी ननद हंस रही है, बोले वीडियो मत बनाओ भाभी मेरा, सब लोग बोलेंगे कि ये भी तुम्हारी तरह खाने पे टूट पड़ती है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पापा जी को छोड़ के हम सब आए हैं, तो हम तो यहीं खाते ही रह गए। और हस्बैंड और देवर चले गए थे उधर रावण के पास में, ये इतना बड़ा रावण बनाया था, और ये एक रावण बन के घूम रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे थे साथ ही साथ। और इधर पालकी में बैठे हैं सीता, राम और लक्ष्मण तीनों। तो अभी रावण का दहन होने वाला है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ के आसपास जितने भी गांव है, वहीं वहाँ के लोग यहीं आते हैं मेरे ससुराल में ही रावण को देखने, क्योंकि बहुत बड़ा बनता है और बहुत मजा आता है यहाँ पे। तो देखो कितने लेडीज कितने जेंट्स सब आ रखे हैं, पूरे बड़े इंजॉय कर रहे हैं। तो पटाखों की बौछार शुरू हो चुकी है और बड़े ही धूमधाम से रावण का दहन होने वाला है। तो इतने सारे फटाके थे कि हम तो वेट करते ही रह गए कि रावण कब जलेगा। और ये कम से कम 10-15 मिनट तक ऐसे ही फूटते रहे फटाके। तो अब रावण की लंका भी जलने लग गई है, पहले लंका जलेगी फिर रावण जलेगा। तब श्री राम को बुला लिया है रावण का वध करने के लिए, तो उन्होंने तीर छोड़ दिया है और ये रावण जल चुका है। अब जाके भस्म हुआ है रावण, अभी तक भस्म नहीं हुआ, पूरा जला नहीं है, अब जलना स्टार्ट किया है रावण ने और एंड में जल गया पूरा। तो यहाँ पे मैं मेरी सास की फोटो ले रही थी, इतने में ही हस्बैंड ने आके मुझे डरा दिया। फिर हम चले गए थे, वापस भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि गोलगप्पे खा लेते हैं। फिर गोलगप्पे खाए और वीडियो नहीं बनाया किसी ने। फिर मैं बोली मुझे बादाम शेक पीना है, लेकिन बादाम शेक वाला वहां से चला गया था, तो ऐसे निकल गए। और रास्ते में से फिर आइसक्रीम खरीद ली और जाते मेरे ससुर को दिए। मेरे ससुर है, ये पूरे दिन गायें भैंसों में ही रहते हैं, तो ये इनका ऐसा हाल कर रखा है। और मेरी सास भी आइसक्रीम का मजा ले रही थी और मेरे देवर और हस्बैंड भी। हमने सारों ने तो खा लिया आइसक्रीम, लेकिन ननद अभी बाकी। सब क्रेडिट इनको जाता है, ये लेके आए हमारे लिए आज। इन्होंने दिए हमको पार्टी, लेकिन कह सकते हैं कि गजब है। ये 30-40 रुपए वाली को फेल कर दी है, 10 रुपए वाली आइसक्रीम। मैंने सोचा यार 10 रुपए की कैसे हो सकती है ये आइसक्रीम, लेकिन 10 रुपए की है ये। लेकिन तो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।